ये वाला डॉग ना ये काटने के लिए आ रहा है। अभी यहाँ पे हैं आंवले के पेड़ और हम लोग सोच रहे थे कि हम कुछ आंवले ले जाते हैं जो घर में अचार वगैरह बनाने के लिए। यहाँ से लग रहा है कि आसान है पर वैसे इतना आसान नहीं है। इसको कैच कर दिया है। ये वाले पेड़ जितने भी है ना बहुत कच्चे होते हैं, धूली धूल है, तो इस वजह से तीनों को लाना ना टफ था। और सौदेवर भाई और सुबोध यहीं पर गिरे थे। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और अभी करीब 8:25 हो रहा है और हम लोग भी करोके से घर जा रहे हैं। बाकी इनको स्कूल जाना है और छोटू तो खैर यहीं रहेगा, अंशिका घर पे ही थी तो अभी इनको स्कूल लेके जाना है। बाकी यहाँ से सामने तक पैदल जाना है, उसके पीछे बाइक रखी हुई है। तुरा से हम दोनों निकल चुके हैं, मेरे साथ में है हैप्पी। लोग जा रहे हैं थान दरअसल में मैच खेलने के लिए। भी सरसोली से निकल गए हैं थान दरसो के लिए और अभी राहुल हो गया, कैलाश भी आ गए और पठालीदार से मोहित भाई हो गए और देवेंद्र भाई आ जाएंगे, फिर हम लोग भी निकल जाएंगे थान के लिए। बाकी हम लोगों को नीचे सेमला होके सामने नौरा होके परकंडी धार तक जाना है और वहां से फिर पैदल हमें ऊपर खेतों में जाना होगा जहाँ पर मैच हो रहे हैं। और जो सेमला का जो रास्ता है वो सामने पलद्वाड़ी परकंडी यहाँ का रूट ना बहुत शॉर्टकट हो गया है। अब हम लोग भी यहाँ से निकल गए हैं। बाकी अपने जितने टीम के खिलाड़ी थे, टीम के जितने भी प्लेयर थे सारे आ चुके हैं और आज टीम में है मोहित भाई हो गया और कैलाश हो गया, राहुल हो गया, हैप्पी हो गया, देवेंद्र हो गया और एक आएगा तो परवीन आएगा। बाकी इतने प्लेयर हैं। बाकी अभी हम लोग भी डोंगर सेमला में पहुंच गए हैं और यहाँ पे बगड़वाल नृत्य का प्रोग्राम भी शुरू होने ही वाला है। और जो ये बगड़वाल नृत्य हो रहा है ये लगभग 65 साल बाद हो रहा है, लगभग ये 11 दिन का होगा और कल से शुरू हो गया है। पता नहीं कब तक रहता है, महीने भर का ये प्रोग्राम चलता है। यहाँ पे भी पुल वगैरह तैयार हो गया है और लगभग 1 महीने के बाद यहाँ पे भी जो पुल वगैरह है वो कंप्लीट तो खैर नहीं होगा पर जितना भी जो जाली वगैरह लगना है, जो भी चीज़ें इसमें होनी है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 4-व्हीलर है वो पास हो जाएंगी, मतलब पास हो जाएंगे। अभी दिक्कत यही है कि अभी जो 2-व्हीलर है सिर्फ वही जाती हैं यहाँ से और ये वाला रास्ता बहुत संकरा है, बहुत ज़्यादा संकरा है और इसमें सिर्फ बाइक वगैरह वो भी अपने रिस्क पे ले जानी है। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, ये वाला रास्ता जाता है आपका पलद्वाड़ी हो गया मक्कू के लिए और हमें इस वाले रूट पे जाना है और ये वाला रास्ता जाता है आपका यहाँ से भीरी हो गया और जो परखंडी वगैरह थान दरअसल के लिए हमें इस वाले रूट पर जाना है। यहाँ पर रोड की कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर। हाँ यार, बाकी यहाँ पे रास्ता ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब पूरी धूली धूल है तो इस वजह से तीनों को लाना ना टफ था। और परसों देवेंद्र भाई और सुबोध यहीं पे गिरे थे तो इसलिए हम लोग उतर गए। और ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है ना, जो इस पर प्लास्टिक लगी हुई है, ये उसी दिन का नया इंडिकेटर लगा हुआ है। तो बाइक को डैमेज करने से अच्छा है कि कुछ लोग थोड़ा सा पैदल चल जाए। ये जाता है आपका मक्कूमठ हो गया चोपता के लिए और यहाँ से मक्कूमठ है आपका 10 किलोमीटर और जलई है यहाँ से 6 किलोमीटर। तो अभी हमें सामने तक जाना है और उसके बाद वहाँ से पैदल सफ़र तय करना है। तो ये पहला मैच है जहाँ चढ़ाई भरा रास्ता है, नहीं तो अभी तक जितने भी मैचेस हुए ना सारे रोड के किनारे या मतलब जहाँ पे थोड़ा बहुत 150 मीटर पैदल रहा होगा, पर यहाँ पे लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और तब जाके हम लोग जो सीढ़ी नुमा खेत हैं उन खेतों में पहुँच जाएंगे।
तो फाइनली हम लोग भी ककोला में पहुंच गए हैं। और परसों जब हम लोग ऊपर मैच खेलने के लिए गए थे ना, तो हम लोग गए थे ऊपर टॉप पे, एक जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, यहाँ पे गए थे। और हम लोग गए थे सामने से इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना पहुँचते। उसके बाद हम लोगों को बताया था कि ये वाला रास्ता ना अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर बाइक वगैरह लगा दी है। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। बाकी यहाँ पे देखो भाई, पुराने घर ना, पुराने घर की जो दीवारें हैं अभी तक कितनी मजबूत है और कितनी मजबूती से टिकी हुई हैं। और जो पुराने घर के जो मतलब जो पुराने घर के जो दरवाजे रहते हैं ना, कितने छोटे से हैं। और यहीं से अंदर आना जाना बाहर पूरा इसी दरवाजे से होता था। और इस पर जो लॉक वगैरह है ना, वो इस टाइप से है, ये देखो। और इस पर मस्त करके डिज़ाइन भी बना हुआ है। आज के ज़माने में जो घर है ना, वो बड़े बड़े से तो बने हुए हैं, पर इतनी मजबूती इनमें है नहीं जितने मजबूत ये पुराने से घर हैं। अब बाकी हम लोग भी ग्राउंड पे पहुंच गए हैं। और यहाँ पहुंचते इतनी हालत खराब हो गई है ना कि कुछ पूछो ही मत, क्योंकि जो पूरा रास्ता है ना, वो चढ़ाई भरा रास्ता है। बाकी मैच भी खत्म हो गया है और हम लोग मैच जीत चुके हैं। अब नेक्स्ट मैच कब होगा उसका खैर अभी कोई पता नहीं। बाकी अभी करीबन जो टाइम हो रहा है वो लगभग 1:30-2 तो बज ही गया। और अब जाके हम लोग यहाँ से घर के लिए निकल रहे हैं। चलो फाइनली हम लोग भी नीचे रोड में पहुंचने के बाद हम लोग भी निकल चुके हैं घर के लिए। और बाकी मोहित हो गया और हैप्पी काफ़ी पहले निकल गए थे, क्योंकि जो हैप्पी का जो मैच था वो था किमाना में और मोहित ने बैटिंग करी, मोहित निकल गया था। उसके बाद राहुल हो गया और कैलाश गए भेरी, वहाँ पे उनका जो GPL टूर्नामेंट चल रहा है, ग्रामीण प्रीमियर लीग जो चल रहा है, वो वहाँ पे चले गए। और हम लोग लास्ट में जब मैच फिनिश हुआ उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। बाकी इस वाले साइड में देखो रोड अभी ना जो डामर वगैरह हो रहा है वो अभी चल रहा है, और डामर होने के बाद इस पर पेंटिंग वगैरह हो जाएगी, फिर अच्छी सी रोड बन जाएगी मस्त वाली। बाकी जब तक बनी नहीं तब तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो होती रहेंगी। बाकी यहाँ पे रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है ना, कसम से बहुत ज़्यादा डाउन है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे धूल इतनी ज़्यादा है कि टायर वगैरह पकड़ने के लिए मतलब ग्रिप के लिए ना कुछ है ही नहीं, तो इस वजह से भी दिक्कतें हो जाती हैं। वैसे ही हिमालयन ऐसी जगह के लिए ना सबसे बेस्ट गाड़ी है, सबसे बेस्ट मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है कि कोई ये बोल दे कि हिमालयन बेकार गाड़ी है मतलब ऐसी जगह के लिए। और ये वाला डॉग ना
ये काटने के लिए आ रहा है। मैं परसों भी आया था परवीन को लेने के लिए, तो ये इतना भयंकर है, इसके सामने गया तो एकदम से घुरने बैठ गया। और अभी यहाँ पे है आंवले के पेड़, और हम लोग सोच रहे थे कि हम कुछ आंवले ले जाते हैं जो घर में अचार वगैरह बनाने के लिए, बाकी ये सामने पे है तो जाना मुश्किल ही है। तो देखो आंवला निकालना मतलब लग यहाँ से लग रहा है कि आसान है, पर वैसे इतना आसान नहीं है। और ये देखो एक आंवला हाथ पे गिर गया है और इसको कैच कर दिया है। और एक आंवले के लिए भी ऐसे हो रहा है कि कैसे मिलेगा, क्योंकि ये वाले पेड़ जितने भी है ना बहुत कच्चे होते हैं, इन पे डर भी लग रहा है नीचे गिरने का। और बाकी देवेंद्र नीचे मत गिरना भाई। आंवले वगैरह तो निकाल दिए हैं, वैसे डर लग रहा था कुत्ते का, पर वो भी खुद ही हमसे डर रहा था, वो इतना छोटा सा तो था वो, पर उससे भी डर लग रहा था कहीं काटे ना। और जैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग आंवले अचार वगैरह के लिए भी लेके जाएंगे, पर उस हिसाब से नहीं मिल पाए, थोड़ा बहुत खाने लायक ले आए हैं। अब कुछ दिन में फिर मैच होगा तो परवीन को लेके आएंगे, तब जाके निकालेंगे वहाँ पे, क्योंकि डर भी लग रहा था, एक तो घर पे कोई नहीं था, तो इस वजह से दूसरे की चीज़ों पे हाथ लगाने में ये भी डर लग रहा था, अचानक से अगर वो आ जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है, इस वजह से ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, थोड़ा बहुत खाने लायक निकाले फिर निकल गए हम लोग भी। फाइनली अभी शाम के करीब 5:30 होने वाला है, और अभी जो धीरे धीरे जो दिन है ना वो बड़े होने लगे हैं, और 5:30 कभी कभार तो 5 बजे तक ना पूरा अंधेरा हो जाता है, और अभी तो 5:30 बजे इतना अंधेरा नहीं हुआ। बाकी अभी हम लोग भी सरसोली पहुंच गए। फिलहाल मैं भी घर पे पहुंच गया हूं, और पहुंचते पूरा अंधेरा हो गया था। आज का मैच भी अच्छा रहा, इसके बाद पता नहीं कब मैच वहां पे होगा, और जब भी होगा तो फिर हम लोग ना आंवले लेके पक्का आ जाएंगे। बाकी मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ, सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट एंड गुड नाइट, बाय बाय।